एक बेहद वाहियात बयान इस देश को सुनने को मिला और वो सुनकर बहुतों का सिर शर्म से झुक गया और बहुत लोग बेहद आक्रोशित हुए और ये बयान और इस तरह के बयान देने में उनको पारंगत हासिल है। लेकिन अब वो सिर्फ एक फिल्म एक्टर नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, बड़ी चुनी हुई सांसद हैं, बड़ी प्रिय सांसद हैं, हैंडपिक करी गई थी वो शीर्ष नेतृत्व के द्वारा। कंगना रणावत ने कल कहा कि किसान आंदोलन के जो किसान थे उनको बलात्कारी और हत्यारा बताने का काम किया। इस देश के अन्नदाताओं के खिलाफ ऐसे शब्द शायद ही किसी राजनेता ने इस देश के लंबे इतिहास में कभी बोले हों। इस देश के अन्नदाताओं को बलात्कारी और हत्यारा बताया और उसके बाद यह भी कहा कि यह जो सारा किसान आंदोलन था, जो किसान अपने हक की, अपने अधिकारों की, अपने सशक्तिकरण की लड़ाई लड़ रहे थे, जो प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, जहां 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई, जहां 1.5 से 1.5 साल तक किसान खुले आसमान के नीचे गर्मी, पानी, बरसात, आंधी में ओलों में बैठे रहे, वहां पर इनका कहना है कि ये अमरीकी और चीनी शक्तियां ऐसा कर रही थी। अमेरिका और चीन हमारे देश में दखलंदाजी कर रहा था, अस्थिरता पैदा कर रहा था किसान आंदोलन करा के। तो जाहिर है इस पर आक्रोश होना था, जाहिर है इस देश की रीढ़ की हड्डी किसान है, जाहिर है कि जो किसान धरती का कलेजा फाड़कर अन्न उगाता है उसको चिंता नहीं कि गर्मी हो, आंधी हो, पानी हो, बरसात हो, ओले हो, वो अन्न उगाता है, हमारा पेट पालता है, उस किसान को अगर बलात्कारी और हत्यारा कहा जाएगा तो आक्रोश होगा। और एक बात यह भी सच है कि किसान चाहे पंजाब का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे कर्नाटका का हो, यह असम्मान तो कोई नहीं सहेगा, तो आक्रोश बहुत हुआ। और सवाल हुआ बीजेपी से कि क्या ये आपकी सांसद कह रही है या ये आपका आधिकारिक स्टैंड है, क्या आप भी आंदोलन करने वाले किसानों को, हक के लिए लड़ने वाले किसानों को हत्यारा और बलात्कारी बताते हैं, क्या ये आपकी सरकार का मत है, क्या ये आपका मत है, अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। तो आज एक रेयर मूव में, क्योंकि हरियाणा का चुनाव भी पास में है और आगामी हार तो ऐसी है कि चुनाव टालने की मांग हो रही है, पता है कि 240 पर लाकर देश के मजदूर और किसानों ने सबक सिखाया है, अभी हरियाणा बिस्तर बोरिया बंधवाने वाला है, तो एक स्टेटमेंट आया भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिसमें कहा गया कि किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है, उनसे गहरी असहमति है इस बयान से और नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए ना वो अधिकृत है, ना उनको अनुमति है और उनको निर्देशित किया गया है कि वो इस प्रकार के बयान भविष्य में ना दें। तो हमारे इस मंच से कुछ सवाल हैं। आपकी चुनी हुई सांसद है, चहेती सांसद है, बड़ी लोकप्रिय है आप लोगों के पार्टी में, अगर ये उनका मत नहीं है, अगर आपकी पार्टी का ये मत नहीं है तो निकाल बाहर करिए ऐसे सांसद को। ये मैं हृदय से माफ करने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी 2024 में। प्रज्ञा ठाकुर गोडसे की पुजारी को हृदय से माफ नहीं कर पा रहे थे, अब ये हमारा मत कह के पलड़ा झाड़ने हम नहीं देंगे। अगर ये आपका मत नहीं है तो इस देश के किसानों के खिलाफ जिसने इस तरह की बात की है उसको किसी कीमत पर संसद में बैठने का हक नहीं है। निकाल बाहर कीजिए अपनी पार्टी से, हाथ जोड़ के माफी मंगवाइए किसानों से, और अगर ये सब कुछ नहीं कर सकते तो आप खुद माफी मांगिए इस देश के किसानों से। ये तो बात किसानों के बारे में हो गई। उन्होंने एक अत्यंत विचलित करने वाली बात आगे भी कही थी जिसका मैंने उल्लेख किया है। उन्होंने कहा यहां पर बांग्लादेश जैसी स्थिति बनाने का काम अमेरिका और चीन कर रहे थे। तो हमारा सवाल है कि नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे क्या वो इतने कमजोर है कि इस देश में अस्थिरता पैदा कर रही है विदेशी शक्तियां? तो इस पर पार्टी तो नहीं बोल सकती है, इस देश के विदेश मंत्रालय को, इस देश के गृह मंत्रालय को इस पर जरूर बयान देना चाहिए, जरूर स्पष्टीकरण करना चाहिए, क्योंकि हम भी परेशान हैं। आपकी सांसद कह रही हैं कि हिंदुस्तान की सरजमी पर अस्थिरता पैदा करने का काम दो विदेशी ताकतें अमेरिका और चीन कर रहे हैं,
इस पर आपका क्या मत है? क्या यह सच है? अगर सच है तो आपने क्या कदम उठाए हैं? आपने क्यों नहीं इस विषय को साझा किया है? और अगर यह झूठ है तो इसके खिलाफ भी, इसकी मुखालफत करते हुए भी सरकार के मंत्रालयों की तरफ से बयान आना पड़ेगा। यह हल्के में नहीं ली जा सकती है बात। सत्तारूढ़ दल की एक सांसद कह रही है कि अमेरिका और चीन भारत में परिस्थितियां बिगाड़ने की, अशांति पैदा करने की, अस्थिरता पैदा करने की साजिश कर रहे थे। इसका जवाब कौन देगा? और एक बहुत बड़ी बात यह है कि तमाम ऐसे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में जो अपने आप को किसान नेता कहते हैं, वो क्यों चुप बैठे हैं? जो अपने आप को किसानों का हितकारी कहते हैं, अगर ये किसान बलात्कारी और हत्यारे थे तो ये विज्ञान भवन में बार बार मीटिंग क्या करते थे? अगर ये किसान इतने दुष्कर्मी थे तो इन किसानों के आगे नरेंद्र मोदी को घुटने टेक कर नाक रगड़ के काले कानून वापस क्यों लेने पड़े? तो हमारा मानना, और हम इस मंच से फिर से कहेंगे कि सरकार स्पष्टीकरण दे कि जो अस्थिरता पैदा करने की विदेशी शक्तियों द्वारा बात की गई है उसकी क्या सच्चाई है। पार्टी पलड़ा नहीं झाड़ सकती ये कहकर कि यह हमारी राय नहीं है। आपकी राय नहीं है तो जिसकी इतनी कुत्सित राय है उसको अपनी पार्टी से निकाल फेंकिए। मूल मुद्दा यह है, यह हम आपके सामने आके कहना चाहते थे। इस देश के आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी हमारे किसानों को इन शब्दों से नवाजा नहीं गया है, और सत्तारूढ़ दल की एक सांसद यह करती है, और बीजेपी बस ये मुंह मोड़ लेगी कि यह हमारा मत नहीं है। अगर आपका मत नहीं है तो निकाल फेंकिए, और सरकार के स्पष्टीकरण का हम इंतजार करेंगे, क्योंकि देश में विदेशी ताकतें काबिज है, नरेंद्र मोदी की सरकार इतनी कमजोर है, और यह सब हो रहा है उसका भी सत्य सामने आना चाहिए।